रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में जो कमेटी की बात करी गई है, मुझे लगता है कि ऐसे विद्वान और वरिष्ठ व्यक्ति की चेयरमैनी पे इस पर अच्छे सुझाव आएंगे। जब पहले भी इलेक्शन कमीशन द्वारा 2022 पे चंडीगढ़ में बैठक हुई थी, जननायक जनता पार्टी पहला दल था जिसने इसके प्रति अपना पक्ष दर्शाने का काम किया। तो और मैं तो मानता हूँ कि बारी बारी इलेक्शंस, इतनी मशीनरी का उपयोग और थोड़े थोड़े समय में फिर वही चीज़ की रिपीटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, कॉस्ट कटिंग भी होगी, चाहे वो प्रचार में हो, चाहे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के यूटिलाइजेशन में हो, और देश के अंदर भी स्थायी और स्थिर सरकार हमें देखने को, एक नई शुरुआत है। तीन प्रदेश, तीन केंद्र शासित प्रदेश, 30 करोड़ के कॉर्पस हैं पूरे देश के लिए। उन प्रदेशों में खरीदी गई 200 रुपये से ऊपर की कोई भी चीज़ के लिए स्कीम लाए हैं कि अगर कोई GST पे करता है तो अपना बिल अपने पोर्टल के ऊपर अपलोड कर सकता है, और अपलोड कर कर वो 10,000 रुपये के 800 प्रतिमा, 1,00,000 रुपये के 10 प्रतिमा, और 2 करोड़ रुपये, 1-1 करोड़ रुपये के 2 हर तिमाही में ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से, लॉटरी के माध्यम से, सिर्फ टैक्स अदा कर कर सरकार को बताने के वो लॉटरी में जीत सकता है। मुझे लगता है ये प्रत्येक नागरिक को भी प्रेरित करेगा कि वो टैक्स अदा करे, दुकानदार को भी प्रेरित करेगा कि वो बिल हर नागरिक को समय अनुसार देने का काम करे। और मेरा मानना है कि इससे जो टैक्स का रेवेन्यू है वो और बढ़ेगा। HSIDC के माध्यम से इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए, टोल जो खटखड़ का है उसके पास पास हमने ई भूमि पर किसान से रिक्वेस्ट करी है कि अगर वो गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियल पार्क के लिए ज़मीन दे तो सरकार सिर्फ यही नहीं, 7 लोकेशन हरियाणा में, जिसमें 2 लोकेशंस सोना में है, 3 लोकेशंस रेवाड़ी में है, और 2 लोकेशन जींद के अंदर है, जहाँ इंडस्ट्रियल पार्क के लिए आज से 10 साल पहले कभी एक्विजिशन हुई होगी, ये पहला कदम उठाया था।